यार मेरी धड़कन गारे, चांद के हैं संग सितारे, खिलखिलाते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। गाना सुने हो तुम लोग, ये वाला गाना। आज इस गाने से अपन शुरू करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले ये बताओ कि किस किस ने वेदांतु का जो आज का व्लॉग था, वेदांतु का आज का व्लॉग किस किस ने देखा? वेदांतु का आज का मैंने बैंगलोर का ऑफिस दिखाया था आप लोगों को। ऑलमोस्ट 45,000 यानी कि 45,000 के करीब बच्चों ने अभी तक वेदांतु का बैंगलोर ऑफिस देख लिया है। अमेजिंग यार। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज मैंने वेदांतु का बैंगलोर ऑफिस सबको घुमाया है, और अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देख लेना। और आज इस गाने से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कौन से गाने से? देखो, चश्मा पहने बिना गाना गाने से मज़ा ही नहीं आता। नहीं तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्प्रिंट रिलोडेड। लेकिन उससे पहले एक गाना सुनाता हूँ तुम लोगों को। सुनोगे? थंबनेल देखा, मज़ा आया। आज देखो आनंद सर, पुलकित सर सभी आए हुए थे, तो उन सबसे मिलवाया मैंने यारों को और पूरा ऑफिस दिखाया। विकास सर, आनंद सर, पुलकित सर, आपकी दीक्षा मैम सभी थे, है ना। चलो या क्या बात है, क्या बात है। चलो सो आज एक गाने से शुरू करते हैं, और गाना है ये वाला, ये मेरा फेवरेट गाना है। यार मेरी धड़कन गारे, चांद के है संग सितारे, झिलमिलाते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदियां, नदियां में है एक खेवैया। नहीं भूल गया। ओके। यार मेरी धड़कन गारे, चांद के है संग सितारे, दिल मिलाते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदियां, नदियां में है एक खेवैया, खेवैया के साथ सेवैया तुमने खाई रे। ओ अब आप भी जा, सबको बता, क्या तेरा मेरा नाता रे। तू है मेरी, मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। समझी सही है, बस करो सर। अभी पेपर देने हैं, पोखरियाल जी को सुनाना भी है। नहीं, पोखरियाल जी ने इतनी वो कर दी है, और पोखरियाल जी हर दिन आते हैं, डेट अनाउंस करके चले जाते हैं। वो ये नहीं बताते कोरोना कब खत्म होगा, वो तो कैसे ही बताएंगे। नहीं, वो भगवान थोड़े ही हैं। चलो तो आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मूड बन गया तुम्हारा? तुम्हारा मूड बना के नहीं बना ये बताओ। तुम्हारे मूड बनाने के लिए गाना गाते हैं हम लोग, और तुम लोग मूड ही नहीं बनाते हो अपना। खुश हुए कि नहीं हुए तुम लोग, ये बताओ मुझे। हाँ चलो, थोड़ा मैजिक, थोड़ा प्यार। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने वाले हैं। 12th बोर्ड स्प्रिंट है, है ना। बोर्ड एग्जाम आपके थोड़े से पोखरियाल जी ने आगे कर दिया, तो क्या हो गया, क्रैश कोर्स तो हमें करना ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, रीलोडेड है 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम लोग फिर से जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, है ना। लेकिन उससे पहले जरा चेक करते हैं आज सबसे खूबसूरत चेहरा कौन है हमारे यूट्यूब के सेशन का, जरा देखें। तो जरा चेक करते हैं। तो चलिए, आप लोगों के फेमस होने का समय आ गया है। फटाफट से सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए। दिल जिसका बड़ा लाइक तो वही करता है, है ना। बाकी तो छोटे छोटे दिल वाले तो बहुत घूमते हैं, बड़े दिल वाला वही होता है जो सेशन को लाइक करता है भाई, है ना। और चलिए आज हम देखते हैं, और बड़े दिल वाला वो होता है जो अच्छी फोटो लगाता है और यहाँ पे फेमस हो जाता है। तो जरा चेक करते हैं आज कौन है फेमस होने वाला। तो धीरे धीरे चलते हैं, किसने अपनी अच्छी सी फोटो लगाई है जरा हम चेक करते हैं। अभी ने ये देखो आप, श्रवानी, श्रावणी, श्रावणी ठाकरे। ओ माय गॉड, मतलब सरनेम तो बहुत धासु है, है ना, श्रावणी ठाकरे। उसके बाद रंजन पटेल, दिव्यांश, दिव्यांश तो एकदम वो बना हुआ है, क्या मिस्टर कौन सा, नहीं मिस्टर अमेरिका, नहीं क्या बोलते हैं, मिस्टर अमेरिका था क्या, क्या था, सुपरमैन अमेरिका वाला कौन सा था यार, मैं नाम भूल के बताऊं। और उसके बाद है ये कौन है, शुभम गर्ग। और कौन है, साक्षी बाग मारे। उसके बाद रूपाली चौरसिया, रूपाली चौरसिया की फोटो देख रहे हो तुम लोग, हैं। उसके बाद है उदय सिंह टाबरों की फोटो, सिमरन क्यूटी पाई की फोटो। उसके बाद सोनू, और उसके बाद है उन्नति अग्रवाल। सबसे कॉमन नेम है उन्नति अग्रवाल, मतलब अगर कुछ नहीं मिल रहा तो बच्ची का नाम उन्नति रख दो। नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, दैट्स रियली कूल नेम, बहुत बढ़िया। उन्नति अपने मॉम डैड को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना कि आपने कितना अच्छा नाम चुना, अरविंद सर बोल रहे थे। उसके बाद है रजनीश मिश्रा। ओ माई गॉड भाई साहब, ये नाम जानते हो, ये रजनीश
ओशो का नाम था, वो भी मिश्रा थे शायद, पता नहीं, पर रजनीश तो नाम था ओशो का। पता नहीं कहां से ढूंढ के लाया कि इसने लिखा है दीपक कुमार। और ये देखिए, आहा, पूरा एकदम स्टंट नहीं, क्या बोलते हैं, ग्लैमर आ रखा है। अद्रिता, अद्रिता ने आज फोटो लगाई है एकदम ग्लैमरस। रिया सिंह, ओके। और उसके बाद तान्या दलाल, ओके, ताने ने एकदम कैप शैप में फोटो लगाई है। शिवम, सोनू, और ये कौन है, ये है क्रैशॉप। उसके बाद विशाल द प्रांजल, और बहुत अद्रिता की फोटो है आज, तो फोटो ऑफ द डे मानना पड़ेगा भाई, क्या बात है। तो अद्रिता ने कर दिया है कमाल। स्ट्रीमिंग हेल्प, ये क्या है, मेरा हटाना पड़ेगा क्या, ओके। सो फाइनली ये देखो भैया कहाँ गए हमारे चैट शैट, सभी गायब हो गए, ओ माय गॉड। तो चलो कोई बात नहीं, अब गायब हो ही गए, तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत ही अमेजिंग हो, और ऐसे ही करके आते रहा करो और अपनी फोटो लगाते रहा करो, आप लोग बहुत ही खूबसूरत दिखते हो, हमेशा मैं बोलता हूँ, तो काहे आप लोग नहीं आते हो। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, काफी बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, तो बहुत सारे बच्चे रह गए होंगे, वो कहेंगे ये क्या है, प्राइवेसी एंड सेफ्टी क्या हुआ, स्ट्रीमिंग टिप्स, तो हम ऐड नहीं दिखा सकते क्या, कहाँ क्या खोल दिए हो, यूट्यूब कहाँ चला गया, वाई यू टी यू बी ई, यूट्यूब कहीं गायब भी हो गया, यूट्यूब पता भी नहीं चला, है ना, शायराना अंदाज, अरे ये क्या खुल गया। आजकल कुछ भी खुल रहा है। अच्छा ये देखना चाहते हो क्या, चल ये क्या चल रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ा है, स्ट्रीमिंग टिप्स और नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इज एवरीथिंग फाइन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बताओगे एक बार, पता नहीं कुछ सपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है स्ट्रीमिंग के अंदर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आज, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लग रहा है ऐसा, कुछ तो गड़बड़ है। आज का ये सेशन है, बहुत अच्छे अच्छे सेशन हुए हैं आज, दिख रहे हैं। चलो देखो फाइनली यहाँ पर क्लिक करते हैं, हाँ ये वाला सेशन चल रहा है ना, ये रहा। तो फाइनली अभी काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है, 430 बच्चे, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। और ये रहे हमारे छोटू मोटू बच्चे जो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं आज, और जरा देखें, आहा क्या बात है। तो अब आपके पास चांस है, इफ यू हैव अ गुड डीपी देन गो फॉर इट मैन, दिस इज योर चांस। और इसमें से देखते हैं सबसे बढ़िया कौन दिख रहा है, 1 2 3 देखो यहाँ पर फोटोज लगी हुई है, एक तो है तेजस्विनी यादव, उसके बाद है दीक्षा भट्ट, उसके बाद है ये कौन है, चरिश्मा, चरिश्मा ये करिश्मा लाथा है ना, नाम भी सी से लिखा हुआ है, करिश्मा। उसके बाद दीपक, उसके बाद नैन्सी कुचालिया, ये क्या है, नैन्सी कुचालिया। उसके बाद है हमारे पास हर्षवर्धन संतोषी, और उसके बाद डिम्पी शर्मा, आजकल चश्मे में बहुत फोटो लग रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, चलो आज हम फटाफट से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत ही अमेजिंग हो, बिंदास हो, बहुत अच्छे दिखते हो, और इसी तरह से आते रहा करो और मचाते रहा करो यार, अच्छी अच्छी फोटो लगाओ, है ना, कब लगाओगे, आज नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग तैयार हो अभी, यस, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, ओके, अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों, अभी आज के सेशन को शुरू करते हैं। जा रहा है क्या कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है आज, आज कुछ गड़बड़ है इसके साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बताओ। सब्सक्राइब करना बहुत सिंपल होता है, पता है, बहुत सिंपल है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। आज की स्लाइड्स प्रिपेयर की है कार्तिका सिंह ने, सो थैंक यू सो मच कार्तिका। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूं, पहले मैंने आपको कल बताया था 7,500 का कोर्स था पूरा क्रैश को, लेकिन 8,000 रुपए का वापस हो गया, बट मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, ज्वाइन इट राइट नाउ। ए नीट कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, 20% डिस्काउंट है, आप लोग अभी भी ले सकते हो। सो दिस इज अ गोल्डन चांस, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इससे अच्छा आप लोग नीट की तैयारी करो, क्रैश कोर्स कर लो, सारा सिलेबस तो वैसे ही हो जाएगा, तो आपकी बोर्ड और नीट दोनों की तैयारी हो जाएगी। सो यू हैव चांस, और इसके लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं होता है, पता है, आप सबसे पहले तो यहां पर जाके यूट्यूब पे जाओ, YouTube पे क्लिक करने के बाद है ना सेशन, ये चल रहा होगा सेशन, टॉपिक फॉर नीट नहीं है, आप जाओ, जैसे ही चैनल पे जाओगे तो ये सेशन चल रहा है, ये जो सेशन आप लोग देख रहे हो लाइव, बस उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, नथिंग यू हैव टू डू, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और यहां पर ही लिखा होगा आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का, ये देखो, गेट नीट 2021 क्रैश कोर्स एट द रेट 8,000 रुपीज, उसी पे क्लिक करना है, आप इंटरफेस पे पहुंच जाओगे और उसके बाद ये क्रैश कोर्स को आप लोग यहां से बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपको फिर अपनी ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा 10,000, बट यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है, कौन सा, ए ए नीट। सो आप जब लगाओगे AANEET, जब आप ये एंटर करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ पर ए ए नीट, ये कह रहा है इनवैलिड कूपन कोड,
तो कौन सा लगाई गई? आज मेरे कूपन कोड को इनवैलिड कर दिया इन्होंने, तो कौन सा वाला? 8/2021। तो शायद ये कूपन कोड काम नहीं कर रहा है, AA2021। देखिए ये काम करता है क्या, 2021 अप्लाई करो। अच्छा मेरे कूपन कोड अभी लैप्स हो गए हैं, बट जो भी है किसी का भी कूपन कोड लगा देना, मीनाक्षी का, सचिन का, किसी का तो होगा तुम्हारे पास, तो बस वो लगा देना, 2000 रुपीज़ का यार डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको किसी से भी आप लोग पे कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया, पर AA रीड कूपन कोड है, शायद कैपिटल में लिखना होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, पर जो भी आप लिख देना। चलिए आज के सेशन को फटाफट से आप शुरू करते हैं। इसमें क्या मिलेगा नीट के पूरे सिलेबस के अंदर? पूरा सिलेबस करवाएंगे नीट का, सुबह से शाम तक डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होंगे, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है, टू वे इंटरेक्शन होता है, सब चीज अवेलेबल है। सो इन दैट केस मंडे से ही शुरू हुआ बैच, ए नीट कूपन कोड है, फटाफट से लगाओ और ज्वाइन कर लो। आज के सेशंस की डिटेल ये, अगर आपने कोई सेशन मिस किया है तो जरूर देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रीलोड करते हैं क्रैश कोर्स के हिसाब से 2021 के पढ़े हुए। सबसे पहले तो अपन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, फॉर्मुले जो है, जो काम आएंगे आपके फॉर्मुले, वो सारे के सारे रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से फॉर्मूले जो आपको काम आते हैं, तो चलो मैं उसका सबसे पहले तो प्रैक्टिस कराता हूं आप लोगों को। तैयार हो क्या? कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं? कम ऑन डूड, कौन कौन तैयार है? सबसे पहले फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो चीज काम आएगी वो मेरे साथ साथ बोलते रहना, ठीक है। पहला जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको काम आता है वो है सेल का ईएमएफ निकालने वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला काम आता है? सेल का ईएमएफ निकालने वाला फॉर्मूला। ये मेरा माइक थोड़ा इधर से उधर हो गया, आवाज आ रही है तुम लोगों को? चलो सो सेल का ईएमएफ कैसे निकाला जाता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप लोगों को सेल का ईएमएफ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये एक पहला फॉर्मूला है जो आप लोगों को बेहद काम आएगा, ठीक है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन का दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन से रिलेट करता है। क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन? दैट इज ई ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। आगे क्या होता है? माइनस RT अपॉन NF, उसके बाद क्या होता है? ln of Q। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो गया, बट अगर आपके पास टेम्परेचर दिया हो 298 केल्विन, कितना दिया हो 298 केल्विन, तो E सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस, यहां क्या लिखोगे? 0.059 अपॉन N, ठीक है, और साथ में log of Q। ये नेचुरल लॉग होता है, जबकि यहां पर आपका लॉग बेस 10 दिया हुआ है। नेचुरल लॉग मतलब ये लॉग बेस e था, वो लॉग बेस 10 है। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आपको सबसे ज्यादा यही काम आती है, मैं आपको स्टार लगा देता हूं, ये सबसे ज्यादा यही इक्वेशन काम आती है। इज दिस क्लियर? तो आपके ये दो फॉर्मूले, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला बेहद काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला। ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। नाउ दीज आर द फॉर्मूलाज विच आर रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला है, कौन सा वाला? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ एंड देन ई नॉट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट, ये भी काम आता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा यहां से, नंबर चार फॉर्मूला। आपको यह बताना होता है कि इक्विलिब्रियम पे नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो आप Q की जगह क्या लिखते हो? K। तो इन दैट केस E नोट सेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? दैट इज यहां पर सारी वैल्यू लिखी है, E नोट सेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 0.059 अपॉन N log of K, ठीक है, बेस 10। तो ये इस तरह से आपको ये चार फॉर्मूले हैं जो कि स्पेशली पहले पोर्शन के लिए काम आते हैं। फर्स्ट पोर्शन कौन सा है आपका? फर्स्ट पोर्शन है आपका कौन सा वाला? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो पहली तो ये चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, इसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, बट इक्विलिब्रियम पर है। तो चौथा फॉर्मूला ये और तीसरा फॉर्मूला ये, बस इसी पर ये सवाल आते हैं। फिर उसके बाद और क्या है? आपके फैराडे लॉ तो सारा गायब कर दिया, तो अब आपको मैं फटाफट से चार फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको लिख लिख के तो रिवाइज करवा ही दिए। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ को निकालना आना चाहिए, कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। फिर उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन, किसी भी टेम्परेचर पर नर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यही रुक जाओ, अगर ये 0.059 लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? 298 केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है जब ये डेटा आ जाए तो, और लॉग बेस 10 है, ठीक है। ये क्यू है और कुछ नहीं है, दिस इज रिएक्शन कोफिशिएंट।
और उसके अलावा इक्विलिब्रियम पर अगर नर्स्ट इक्वेशन देखे तो वो क्या होगी, ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन आवर एन लॉग ऑफ के और के सी जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ऑफ एन ऑफ ई नॉट। बस यहां से क्या करो, ई नॉट सेल का वैल्यू ये उठा के रख दो, ये वाला ई नॉट सेल का वैल्यू ये होता है, ये आपको पता है, ये वैल्यू उठा के अगर आप इस फॉर्मूले में रख दोगे माइनस ऑफ एन ऑफ ई नॉट तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है, तो चार फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब कंडक्टेंस की बात करते हैं। सो आपका एक और आर्टिकल है जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात की जाती है, तो आपको फॉर्मूले जब टिप्स पे होंगे आपके एकदम उंगलियों पे होंगे ऐसे ऐसे करके तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं चलो आपको इसके फॉर्मूले भी याद करवाता हूँ। इसके फॉर्मूले याद करने का वैसे बहुत सिंपल तरीका है। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार, ठीक है। अब कप्पा क्या होता है, कप्पा कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक, आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, समझ में आ गया, एंड इनटू एल बाई ए। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इसको आप कप्पा को कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अच्छा जी क्या होता है, जी होता है कंडक्टेंस, समझ में आया। और जी स्टार क्या है, ये जी स्टार है ये क्या, एल बाई ए, जिसको x भी कहते हैं, x मतलब सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट और कुछ नहीं है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब एक और बात, जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, वन अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दूं तो कप्पा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, जी स्टार को आप x भी लिख सकते हो, x बाई आर ये भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू x बाई आर, या फिर लिख सकते हो, देखो g स्टार को x भी लिखते हैं, याद रखना g स्टार इज ऑल्सो रिटन एज x इन सम बुक्स। तो आप लोग कप्पा की वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, g स्टार बाई r भी लिख सकते हो, या x बाई r भी लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। इसके अलावा और क्या फॉर्मूले हैं, किस किस को याद हो गया ये साथ साथ में लिखते लिखते। इसके अलावा आपको कैप m की वैल्यू याद होना चाहिए, कैप m नॉट कैसे निकालते हो, कैप m की वैल्यू कैसे निकालते हो, दैट इज कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाई कैपिटल m, तो पता होगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, और इसी तरह से कैप ईक्यू कैसे निकालते हो, दैट इज कप्पा इन 2000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। ये किस किस को याद है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, बताओ किस किस को याद है ये फॉर्मूले सारे के सारे। इसके अलावा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो, दैट इज कैप एम नॉट बाई कैप एम अपॉन, ये नॉट हटा देना, कैप एम नॉट, ठीक है, कैप एम नॉट नीचे आता है, कैप एम ऊपर आता है, ये अल्फा की वैल्यू होती है। और यहीं से आप लोग के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, वो कैसे निकालते हो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए, इज दिस क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सारे के सारे फॉर्मूले एक बार और, ठीक है। तो चलो लेट्स डू द रिवीजन मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो, ये देखो 1 बाई आर क्या होता है, दैट इज 1 बाई रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस, दैट इज ए अपॉन रो एल, दैट इज कप्पा इंटू ए बाई एल, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां से कप्पा की वैल्यू निकाली जा सकती है, सो फाइनली कप्पा की वैल्यू अगर निकाली जा सकती है, अच्छा एक और बात, कंडक्टेंस 1 अपॉन आर होता है जिसकी यूनिट क्या होती है, साइमन या फिर ओम इनवर्स, ये यूनिट्स आपको पता होंगी। अब आता है कप्पा, कप्पा कैसे निकालोगे, यहां से कप्पा निकाल लो, ये जो फॉर्मूला है इससे कप्पा निकाल लो, समझ में आ गया। तो कप्पा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, कप्पा को हम लोग 1 बाय रो भी कहते हैं, समझ में आ गया, यानी कि 1 बाय रेजिस्टिविटी, समझ में आ गया, इट्स वेरी इजी, दैट इज जी इंटू एल बाई ए। नाउ जी क्या है, कंडक्टेंस, और एल बाई ए क्या है, एक्स, समझ में आ गया। सो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एक्स, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल एम। इसके अलावा कंडक्टेंस का फॉर्मूला, इसकी यूनिट आप लोग याद रखना भैया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जबकि कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और उसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, इसको कैसे लिखते हो, कप्पा इंटू 1000 बाई कैपिटल एन, इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपको सारी की सारी चीजें याद करनी है। इसके अलावा कॉलस लो, ये तो बहुत सिंपल है, अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लोगों को इन्फिनिटी डिल्यूजन पर मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो आप कोलस लॉ से निकालते हो, एंड दैट्स वेरी सिंपल। इन्फिनिटी डिल्यूजन पे कंडक्टेंस किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकलता है, उसके कैटायन का
कैटायन का आपको क्या लेना पड़ता है, मोलर कंडक्टेंस, और उसके एनायन का मोलर कंडक्टेंस, और यहां पर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या फिर कितने आयन है, नंबर ऑफ आयन्स भी कह सकते हो इसको, इसको कॉलस लॉ कहते हैं, दैट्स वेरी सिंपल, ओके। तो आपको ध्यान रखना है इसको कॉलस लॉ कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज कैप एम अपॉन कैप एम नॉट, और इसी तरह से के का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, अब हम करेंगे 10 सवाल। तो कौन कौन बच्चा पार्टी एकदम है तैयार 10 सवाल करने के लिए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो ये फॉर्मूले किस किस को सारे याद हो गए, बोले कि बल्ले बल्ले सर मुझे तो सारे याद हो गए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं 10 सवाल। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ किस किस को सारे याद हो गए, जल्दी से बताओ। थैंक यू सो मच। और अब आप लोग फटाफट से लिखो चैट सेक्शन में, सर अब हम 10 सवाल करेंगे और उसके बाद आप खाना खाना, मैं भी खाना खाऊंगा और सो जाएंगे हम लोग, बल्ले बल्ले हो गया हमारा काम, है ना। जय पोखरियाल जी की जय हो, पोखरियाल जी ने आगे कर दिया सेशन, अब हमें क्या टेंशन है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, वेरी शॉर्ट आंसर है, पहला सवाल ये बताइए, पहला सवाल है, एक मार्क का है, आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, राइट दी नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द डैनियल सेल। डैनियल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगा के बतानी है आपको, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो डैनियल सेल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, किस किस को पता है डैनियल सेल में क्या होता है, ये एक नंबर का सवाल है, ठीक है। तो डैनियल सेल में क्या होता है, आपको पता है डैनियल सेल कैसे बना था, डैनियल सेल में आपने क्या किया था, थोड़ा सा याद करा देता हूं। उसमें दो कंटेनर थे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड, इसमें आपने जिंक की रोड, इसमें आप कॉपर की रोड, ये कौन सी रोड थी बेटा, जिंक, इसमें किसका सॉल्यूशन भरा था, ZnSO4 का, ये कौन सी रोड थी कॉपर, इसमें कौन सा सॉल्यूशन भरा था, CuSO4 का, याद है। तो यहां पर ओवरऑल इक्वेशन क्या निकल के आई थी कि जिंक की रोड से बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकल निकल के ये जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में, ये किससे रिएक्ट कर रहा था, CuSO4 से, याद है। और फाइनली जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 में, इज दिस क्लियर, या ZnSO4 लिखना चाहिए पर बेसिकली यहां पर। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो इस तरह से लिखा जा सकता है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, भैया हटो। तो यहां पर कैसे इक्वेशन लिखोगे, जिंक इज एक्चुअली रिएक्टिंग विद CuSO4 एंड फाइनली इट इज गिविंग यू ZnSO4 प्लस Cu। ये आपको पता होगा ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड था, ठीक है, और ये एक्वस था, और ये एक्वस था, और अब आप इसके ऊपर नर्स इक्वेशन लगाने वाले थे। तो ले देगी इसका काम क्या होता है पता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो एनोड पे इक्वेशन क्या होती है, एनोड की इक्वेशन होती है जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, दैट इज Cu+2, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu के अंदर, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब नर्स इक्वेशन कैसे लगाओगे, ई सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस, मान लो कि टेम्परेचर नहीं दिया है ना, 298 केल्विन भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, माइनस आर इंटू टी डिवाइड बाई एन एफ, एन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एफ। दो क्यों लिखी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। साथ में फिर क्या लिखोगे, लॉग ऑफ बेस ई, क्योंकि अभी कन्वर्जन नहीं किया है। ऊपर लिखोगे, जरा देखो ऊपर आप किसको लिखते हो, यहां पर देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है, तो जोड़ने पर फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगी, फाइनल इक्वेशन बन के आएगी जिंक एक्चुअली कॉपर प्लस टू से रिएक्ट कर रहा है और वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर कॉपर है, याद है। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट है उसका क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है। तो पहले जिंक का कॉन्सेंट्रेशन लोगे, नीचे किसका कॉन्सेंट्रेशन, Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन लोगे और नीचे कॉपर प्लस टू आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, बस इस तरह से लिखना था, खत्म हो गई कहानी। ये एक नंबर का सवाल है जो आपको प्रॉपरली करना था, ऊपर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन को लिखना था, दैट्स इट। इसी को बोलता है डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ओवरऑल मुझसे पूछो को आंसर कैसे लिखना था, तो आंसर आपको ऐसे लिखना था, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो दैट इज ई सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस, ठीक है, आर टी अपॉन 2F लॉग ऑफ बेस ई, ऊपर जिंक प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वो सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको, ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है। फाइनली आप आंसर देखिए, ये सारी इक्वेशन लिखनी थी आपको, ठीक है, और फाइनली ये आपका आंसर बन रहा था। अब इसने ना टेम्परेचर तो आपको दिया नहीं है,
तो टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप आरटी अपॉन एनएफ करके चलना था, बट इसने क्या किया, टेम्परेचर खुद से मान लिया 0.059, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहा है। नीचे इसने 2 लिखा है वो सही है, और यहाँ पर आपने ZN प्लस 2 लिखा और कॉपर लिखा है ये भी सही है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे गलती क्यों हो रही है, तो बेटा इसने माना है, टेम्परेचर तो दिया नहीं है, तो इन दैट केस इसने माना है कि टेम्परेचर 25 है, हमने माना नहीं है, हमने डायरेक्टली किया है, समझ में आ गया। और दोनों आंसर सही है, पर अपने वाला ज्यादा सही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, तैयार है मेरा बच्चा पार्टी। सेकंड क्वेश्चन इज गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन निकालना चाहो तो क्या रिलेशन आएगा। तो इन दैट केस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कैप इक्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या लिखते हो एन। अच्छा कैप एम का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एन, यही होता है ना, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी, सही है, हा या ना, सबको समझ में आ गया। इन दोनों में रिलेशन निकालना तो कैसे निकालोगे, जस्ट सिंपली डिवाइड देम। अगर मैं कैप एम को कैप ई क्यू से डिवाइड कर दूं, कैप एम का फॉर्मूला ये है कप्पा इंटू 1000 बाई एम, ठीक है, फिर कैप ई क्यू क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाई एन, तो किसके बराबर आएगा, नॉर्मैलिटी अपॉन मोलैरिटी, डिवाइड करके देख लो, दिस इज द रिलेशन। तो कैप एम अपॉन कैप ई क्यू का जो रिलेशन होता है वो नॉर्मैलिटी अपॉन मोलैरिटी होता है, दैट्स वेरी इजी। इन दो इक्वेशन को डिवाइड करना था और कुछ नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, समझ में आ गया, रिलेशन तो यही आएगा, समझ में आ गया। आप चाहे 1 को 2 से डिवाइड करो, चाहे 2 से 1 को डिवाइड करो, बात एक ही है, आंसर तो यही आएगा, रेशो में क्या फर्क पड़ जाना है, इज दिस क्लियर। तो ये आपको आंसर लिख के आना था, किस किस को समझ में आ गया ये, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन राइट डाउन कि सर यस हमें समझ में आ गया, मास्टर जी की जय हो। तो फाइनली आपको क्या करना था, ये दो फॉर्मूले होते हैं और फिर आपको सिंपली डिवाइड करना था, दैट कैप एम अपॉन कैप ई पी यू इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या लिखा है जरा आप चेक करो, बहुत बढ़िया सवाल है, कहता है व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर गैल्वेनिक्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत बढ़िया सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया है, तो आप इसका जवाब देता हूं। सबसे पहले तो गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, ये तो जानते हो, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन करवानी पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको रिएक्शन करवानी पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, फिर आपको इनपुट लगाना पड़ता है, ये देखो आपको रिएक्शन करवानी पड़ती है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जबकि ये स्पॉन्टेनियस होती है, और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, थर्मोडायनेमिक में पढ़ के आए हो, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, मोर देन 0, आया समझ में, बस ये लिखना था और कुछ नहीं। सो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ये मोर देन 0, खत्म हो गया, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सवाल था। तो ये देखो डेल्टा जी का वैल्यू किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए लेस देन 0 होता है क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यहां पर मोर देन 0 होता है क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। बल्ले बल्ले, अगले सवाल, 4 नंबर सवाल को देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, पूछा गया Which will have greater molar conductivity and why? इन दोनों में से किसकी molar conductivity ज्यादा है और क्यों? पहला solution दे रखा है 1 mole KCl dissolved in 200 ml. फिर दे रखा है दूसरा solution 1 mole KCl dissolved in 500 ml. अब आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओगे कि solution A का कंडक्टिविटी ज्यादा है या सॉल्यूशन बी का कंडक्टिविटी ज्यादा है? मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है, ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी बताओ कौन बताएगा, सॉल्यूशन ए चुनते हो तुम या बी, किसको चुनते हो, किसको शादी करोगे तुम लोग बताओ, कौन बताएगा जल्दी से लिखो चैट सेक्शन के अंदर, तुम सॉल्यूशन ए का मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा बता रहे हो कि सॉल्यूशन बी का, कम ऑन डूड आंसर बताओ फटाफट से, या देखो तुम लोग आंसर ही नहीं बताते हो, मतलब इतनी मेहनत करे, पहले आपकी बॉडी अच्छा था सर, पहले आपका बॉडी अच्छा था, तो अब मैं क्या करूं बताओ, तुमको पढ़ाऊं कि मैं बॉडी बनाऊं है? चलो सो फाइनली अब क्या करें बेटा, जिम्मेदारियां समझते हो, जिम्मेदारियों का पहाड़, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई, इंसान खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। तो फाइनली आप बच्चों की सारी जिम्मेदारी है भैया, तो एक ही काम हो पाएगा ना, दो दो काम तो नहीं हो पाएंगे,
चलो तो फाइनली अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों में आंसर क्या बनेगा। मैं अगर आपकी जगह पे चुनता तो मैं चुनता बी को। किसको चुनता? बी को। क्यों? बी की मोलर कंडक्टिविटी बी सॉल्यूशन के लिए कैप एम का वैल्यू हाई होगा। वैसा क्यों? आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैप एम की वैल्यू जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूजन होती है। डाइल्यूजन, जितना ज्यादा सिस्टम को डाइल्यूट करोगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। क्यों? खुद ही सोचो ना, आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर में आपने 200 ml वाटर भरा, मतलब जो भी है 200 ml टोटल सॉल्यूशन है, और दूसरे में 500 ml सॉल्यूशन है, 500 ml। अब बताओ कि तुम्हें इसमें अगर भेजा जाए कि तुम तैरो और फिर इसमें भेजा जाए तुम तैरो, तुम किसमें आसानी से तैर पाओगे? बताओ मुझे, तुम किसमें आसानी से तैर पाओगे, इसके अंदर या इसके अंदर? बताओ। अगर मैं बोलूं बेटा तैर के बताओ, तैरो, तो तुम किसमें आसानी से तैर पाओगे? इसमें, इसमें, इसमें तो पानी नहीं है, क्या तैरोगे? इसमें आसानी से तैर पाओगे। आ रहा है समझ में? तो जिसमें पानी ज्यादा है उसमें आसानी से तैर पाओगे, जिसमें पानी ही नहीं है। अरे तुम ऐसे कोई स्विमिंग में घात देता था, मैं अभी ना जब कोरोना नहीं था तो पहले मैं स्विमिंग सीख रहा था, तो मैं एक ऐसे स्विमिंग पूल में गया जहां पर जो एक्चुअली तो वो उसमें सिर्फ घुटने घुटने तक पानी था, तो गिर रहा था उससे पहले तो मैं जमीन के टच हो जा रहा था। तो ऐसे में तो तुम क्या ही तैर लोगे जिसमें पानी ही नहीं है? समझ में आ गया? तो तुम आजादी से इस पानी में तैर पाओगे। इसका मतलब जितना ज्यादा पानी होता है उतने आयन आसानी से विचरण कर सकते हैं, तैर सकते हैं। सिंपल है। तो यहां पर 500 ml यानी कि यहां पर सॉल्यूशन में वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। समझ में आया? आपको ध्यान रखना है। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, माने बॉम्बे बी विल हैव द ग्रेटर मोलर कंडक्टिविटी, दैट्स इट। अब हम चले एसिड वन टाइप क्वेश्चन में, दो मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। तो दो मार्क के क्वेश्चन में पहला सवाल ये रहा, कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट 1.1 वोल्ट दे रखा है डैनियल सेल के लिए, कहता है डेल्टा जी कैलकुलेट करके बताओ आप। ये तो बहुत आसान सवाल है, कैसे करोगे इसको? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट, यस और नो? तो यहां पर क्या करोगे, माइनस ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 96500, ठीक है, सो 96500, और उसके बाद ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1। हो गया हमारा सवाल, बल्ले बल्ले खत्म, जूल में आंसर आएगा। तो 2 माइनस का 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, खत्म कहानी। इतना आसान सवाल, और ये दो नंबर का आया था और बच्चे पता नहीं क्यों नहीं करके आते हैं। हेयर एन इज इक्वल टू 2, ई नॉट की वैल्यू 1.1, 96500 मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट, ये अभी फॉर्मूला याद करवाया था, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर किलो जूल में आंसर आएगा, माइनस का 212.3 किलो जूल पर मोल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। पूछा गया Given that the standard electrode potential E naught of the metal, हर एक metal के लिए standard electrode potential दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले potassium के लिए दे रखा है, कितना है? Minus का 2.93। फिर silver के लिए दे रखा है, plus का 0.8। फिर copper के लिए दे रखा है, plus का 0.34। फिर magnesium के दे रखा है, minus का 2.37। फिर chromium के लिए दे रखा है, minus का 0.74। फिर उसके बाद iron का दे रखा है, minus of 0.44। ये डेटा है। अब आपको क्या पूछता है? कहता है अमंग दी मेटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको रिड्यूसिंग पावर का। रिड्यूसिंग पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है कि किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है और किसकी रिड्यूसिंग पावर कम है। अब देखो रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सेंस लगाओ। रिड्यूसिंग पावर यानी कि रिड्यूस करने की पावर, किसको? दूसरों को रिड्यूस करने की पावर। ये कौन है जो दूसरों को आसानी से रिड्यूस करेगा? वो जो खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को आसानी से ऑक्सीडाइज कौन करेगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब जरा ध्यान से समझना है, दैट्स वेरी इजी। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं ना ऐसा, क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। समझ में आ गया? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो पकड़ो यहां पर सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है? पोटेशियम की। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखेगा। फिर किसकी आ रही है? मैग्नीशियम की। ये लिख लो, काम आएगा, मैग्नीशियम सेकंड नंबर पर आएगा। ये देखो, मैं इस लॉजिक को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, इस तरह से रिड्यूसिंग पावर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू
रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल पॉटिनी पॉट लिखा है मैंने, रिड्यूसिंग पावर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले पोटेशियम आया, फिर मैंगनीज आया, फिर कौन आया? यार आप लोग चैट में लिख ही नहीं रहे हो, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से बताओ। यस बेटा बोर्ड के लिए लफ है, तुम लोग यहां जिंदा हो या नहीं हो? उसके बाद कौन आएगा ये बताओ मुझे, उसके बाद कौन आएगा? क्रोमियम, इसके बाद आएगा क्रोमियम, उसके बाद कौन आएगा? आयरन, उसके बाद कौन आएगा? क्रोमियम, आयरन, फिर आएगा ये कॉपर, फिर ये, फिर कॉपर, और फिर कौन आएगा? सिल्वर। जिंदा हो या नहीं हो तुम लोग? सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी है? पोटेशियम की। सबसे ज्यादा किसकी है? सिल्वर की। इस तरह से आंसर लिखा जाएगा। तो ये लिखना था, आप नोट डाउन कर लो, रिड्यूसिंग पावर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। तो फाइनली आंसर कैसे लिखा जाएगा देखो, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोला था ना मैंने एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो इस हिसाब से सबसे टॉपिक कौन आएगा? पोटेशियम, फिर मैंगनीज, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, सातवां सवाल। शो द ग्राफ डिपिक्टिंग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये तो बहुत सिंपल है, हर बार कराते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ बना के बताओ, ये सवाल था आपका। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ कैसे बनाओगे? यहां पर कैप एम लिखा जाता है और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर रूट लिखी जाती है, याद है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, क्या बढ़ने लगती है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो स्ट्रेट लाइन आती है। ये किसके लिए ग्राफ बनाया? ये ग्राफ बनाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे जैसे डिल्यूजन बढ़ाते हो या कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो, कैप एम की वैल्यू बढ़ने लगती है। और ये तो आपके स्ट्रॉन्ग के लिए है। इफ आई टॉक अबाउट वीक, तो वीक का ग्राफ कैसा बनेगा? वीक का एक हाइपरबोला ग्राफ बनेगा ऐसा। ये किसके लिए बनाया मैंने? वीक के लिए। सो दिस ग्राफ इज फॉर वीक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? ये ग्राफ आपको बना के आना था, बस आपका काम हो गया। इज दिस क्लियर? ये जो पॉइंट है ना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला पॉइंट जहां पर आपको दिख रहा है, ये कैप एम नॉट है। ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए तो आएगा नहीं। तो एक ग्राफ आपको बना के आना था। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था, एंड दैट्स वेरी 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 इजी। समझ में आ गया सब लोगों को? सो लुक एट इट, दिस इज द ग्राफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब KCl, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब हो गया? बेसिकली CH3CWH, ये वीक है, वो स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से ग्राफ बना के आना था, तब आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ऐसे टू टाइप के, यानी थ्री मार्क के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे ये सवाल लिखा है, कैलकुलेट द ईएम ऑफ द फॉलोइंग सेल 298 केल्विन, जिसमें Mg+2.1 दे रखा है, Cu+2.01 दे रखा है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है और फेराइट का वैल्यू दे रखा है। ये सारी वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको कहता है कि बताओ ई सेल का वैल्यू कितना होगा, एंड दैट्स वेरी इजी। करके दिखाऊं मैं आप लोगों को, आप लोग भी कॉपी में ट्राई करो। सबसे पहले क्या करना पड़ता है इसके लिए? नर्स्ट इक्वेशन लिखिए। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ठीक है, आगे क्या लिखते हो? क्योंकि टेम्परेचर कितना दे रखा है? 298, तो जीरो सीधे सीधे क्या लिखोगे? 0.059 अपॉन में क्या लिखोगे? एन लोग, और साथ में यहां पर क्या लिखोगे? क्यू। अब आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है? ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, ये रहा 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन आता है एन। एन की वैल्यू क्या होगी? देखो ना यहां पर Mg+2 Cu+2, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिए और लिए जा रहे हैं, तो दो लिखोगे। समझ में हो गया? तो अब लास्ट में आता है क्यू। मैं आपको सीधे सीधे क्यू निकालना बताऊं, आपको इस क्यू के अंदर क्या लेना होता है, ध्यान रखना है इसमें, दैट्स वेरी इजी। ऊपर आता है क्यू के लिए, मैं आपको सीधी याद कराता हूं, क्यू के लिए ऊपर आता है एनोड की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आती है कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग बताओ इन दोनों में से एनोड कौन है? आपको बताता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में कैथोड लिखा जाता है। तो ये तुम्हारे पास एनोड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है 0.1। आ गया समझ में? इज दिस क्लियर? बताओ मुझे, वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा या दो इलेक्ट्रॉन देगा? बैलेंस होगा दो इलेक्ट्रॉन में, इसमें कहीं स्टोइकियोमेट्री आएगी नहीं। 0.1, और उसकी वैल्यू कितनी है? 0.01। सो 0.01, समझ में आ गया? सो आप लोग मुझे बताओ 0.01, ठीक है, ऊपर लिखा है 0.1, तो दोनों कट गया आपस में, तो कितना आएगा? 10 log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1।
तो यहां से 2.71 में से माइनस करना है 0.0591 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा आपका। तो फाइनली अगर मुझसे पूछे कि कोई आंसर क्या होगा, सो ई सेल का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, 2.71 में से कितना 0.0591 बाय 2, ठीक है, तो इसको 0.0295, इसमें से 0.0295 ये आपको माइनस करना है, समझ में आ गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इज दिस क्लियर? इनर्ट सेल का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है, सबको समझ में आ गया, बोलो, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के नो प्रॉब्लम, तुम लोग चैट में जिंदा भी हो या सब जा चुके हो, न्यूमेरिकल के नाम पे तुम्हें उबासी आने लगती है। सो फाइनली देखो, ये इक्वेशन है 2.71, ये आपको इनर्ट सेल की वैल्यू दे रखी है, 298 केल्विन टेंपरेचर है, दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इक्वेशन लगानी थी, ऊपर मैग्नीशियम का आता, नीचे कॉपर का आता, आता फाइनली ये देखो 2.71 0.059 बाय 2 लॉग 0.1 0.01 10 से कट गया, सिर्फ आपको ये वैल्यू लेनी थी और आंसर आ जाता 6805 ही आंसर आ गया। इस तरह से आपको आंसर निकालना था। अब हम चलते हैं 9वें सवाल पर, ये भी अच्छा सवाल है। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, तो आपको क्या-क्या दे रखा है जरा आप नोट करते रहना। आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 कैपिटल एम और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 200 ओम, ठीक है, तो 200 ओम। फिर द सेल कॉन्स्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यूनिटी, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। सोचो तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आप मैं यहां पर लिख देता हूं मोलर कंडक्टिविटी जो निकालना है, तो वो कैप एम का वैल्यू निकालना है, दैट इज कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो ले देखे, देखो कैपिटल एम तो है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास है, यही तो कैपिटल एम है, ठीक है। अब आपके पास कप्पा की वैल्यू चाहिए, कप्पा कैसे निकालोगे, कप्पा क्या होता है, एक्स बाई आर, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, ये लो कप्पा की वैल्यू आ गई, तो अब आप वहां पे जाके रख दो। सो कैप एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, कप्पा की वैल्यू 1/200 इनटू यहां क्या लिखा हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, कितनी दे रखी है आपको, ये कहां गई, कहां गई मोलारिटी, ये रही, ठीक है 0.01, सो दे रखा 0.01, ठीक है, तो कट गया आपस में, समझ में आता है, समझ में आ गया सब लोगों को, तो 1000/2 यानी कि 500 आंसर आ गया, दैट्स वेरी इजी, इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, पॉइंट आओगे ना 20 ऊपर चले, 1000/2 यानी 500 आंसर आएगा। इस तरह से आपको आंसर निकालना था, दैट्स वेरी इजी। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर कितना आ रहा है 500, तो 500 वुड बी द आंसर फ्रॉम माई साइड, समझ में आ गया सब लोगों को, तो चलो जरा चेक कर लेते हैं कि इन्होंने आंसर क्या निकाला। तो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, तो फाइनली आंसर कैसे निकलना था, कप्पा इज इक्वल टू एल बाई ए इंटू आर, मतलब एक्स बाई आर, खत्म हो गई कहानी। सो 1/200 ये आपके पास 1/200 आ गया कप्पा की वैल्यू, अब आपको निकालनी थी कैपम, या सही है अपना, तो फाइनली 1/200 आंसर आएगा 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आ गया, सबको समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया ये सवाल, नौवां सवाल किस किस को समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, या तुम लोग लिखते ही नहीं हो। सर इन एनसीईआरटी इनफ टू गेट 90+ मार्क्स, यस यस अदिति यू कैन गेट इट, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो। तो आप लोग पहले मुझे बताओ आखिरी सवाल पर चले, ये सवाल किस किस को समझ में आ गया, तुम लोग ऐसे हो कि बस बोलते ही नहीं हो, शर्माते काहे हो तुम लोग। चलिए अब हम चलते पांचवें, पांच नंबर के सवाल यानी आखिरी सवाल पर, क्या लिखता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथनोइक एसिड इज 46.1, ये आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जब कैप एच की वैल्यू दे रखी है, और इतना आसान सवाल है क्या ही बताऊं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनो, सबसे पहले डेटा लिखो क्या लिखा है, ठीक है, और फिर आपको देखो पूछा क्या है, एक तो पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब एक अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, साथ में आप पूछ रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू पूछ रहा है, यही है और तो कुछ है नहीं। सो चलो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो इन दैट केस आप और क्या दे रखा है आपको, तो सबसे पहले तो देखो अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाहो तो वो होती है कैप एम अपॉन कैप एम नॉट, ठीक है, तो कैप एम वैल्यू दे रखी है, कैप एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रहा 46.1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 46.1, लेकिन नीचे वाले की वैल्यू नहीं है,
वो कैसे निकालोगे? ये दे तो रखी है, ये देखो मिथुनोइक एसिड क्या होता है, मिथुनोइक एसिड होता है HCOOH, तो इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट, ये आपकी नेगेटिव पार्ट, तो 349.6 को 54.6 में जोड़ दो, जोड़ो, तो यहां पर 349.6 प्लस और ये क्या है 54.6, इनको जोड़ना है बस, इनका रेशियो आ गया, अल्फा की वैल्यू मिल गई, वेरी इजी यार, इन दोनों को जोड़ना ही तो है, और क्या करना है, ये H प्लस है, ये HCW है, HCW माइनस है, ये इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास HCWH का आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई, जब अल्फा आ गया तो K की वैल्यू कैसे निकालोगे, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C की वैल्यू कहाँ है, ये रही ना C की वैल्यू मोल पर लीटर, ये रही, कुछ नहीं है इस सवाल में, तो आप C की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू निकाल के बैठे हो तुम लोग, ये रही, तो इसकी वैल्यू की स्क्वायर करो, नीचे वन में से माइनस कर दो, खत्म हो गई कहानी, इस तरह से निकाला जाता है। तो फाइनली दसवां सवाल तो बेहद बेहतरीन और आसान था, फिर से देख लो जिसको समझ में नहीं आया, अगर आप HCWH जिसको बोलते हैं मिथनोइक एसिड, तो ये होता है H प्लस एंड CW, इन दोनों को जोड़ना था और कुछ नहीं, तो ये आपके पास आता है इन्फिनिटी डिल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं, कैपम अपॉन कैपम नॉट, तो 46.1 अपॉन 404.2, इससे आ गया ये अल्फा की वैल्यू। अब आपको निकालना था क्या, Yes, ये सब मत देखो, ये सब क्या लिखा है मैंने आपको सीधे फॉर्मूला बता रखा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन के 0.025, अल्फा की स्क्वायर करो, 1 माइनस माइनस करो, आंसर निकाल दो, खत्म कहानी, बल्ले बल्ले हो गए पांच नंबर अपने। किस किस को समझ में आ गया, KGF2 का क्या आ चुका है, टीजर आ चुका है भाई, देखना पड़ेगा क्या बात है, KGF तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं उसका, तो KGF2 का टीजर हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग मुझे बताओ किस किस को प्रॉपरली पूरा समझ में आ गया, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन फटाफट से, कौन कौन ऐसा है जो बल्ले बल्ले करके जाएगा अभी, कमाल है। फाइनली बहुत बहुत बधाई हो मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते मैं फिर आपसे कहूंगा, आप लोग याद रखना आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप नीट के एग्जाम की तैयारी करोगे। सो इन दैट केस अगर आप नीट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो 8000 रुपए का पूरा क्रैश कोर्स है, कंप्लीट क्रैश कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ए नीट कूपन कोड है, फटाफट से लगाओ, 20% डिस्काउंट वहां पर आप लोगों को मिलेगा, फटाफट से अवेल करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। एंड मेरे प्यारे बच्चों, मंडे यानी कि आज से ही, सॉरी आज नहीं, मंडे से बैच शुरू हुआ है, ए नीट कूपन कोड है, फटाफट से लगाओ, एनरोल करो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाओ 20% डिस्काउंट लेके। एंड मेरे प्यारे बच्चों, 2019 का व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला है भाई, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना। एंड फाइनली ये हमारे नीट के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये आप जरा चेक करो, अगर आप इनमें अपनी फोटो देखना चाहते हो तो वेदांतु के बैचेस को जरूर ज्वाइन करो, क्रैश कोर्स तो कर लो, काम आएगा। एंड फाइनली अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशंस आप लोगों को देते रहेंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद रोड़ा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सी यू।